Assalamu alaikum guys, I am Mohammed Qamar Yub. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you are well. Now we will study MS Word. If you like my video, then share it with your friends and family members and also subscribe to my channel. Let's start now. और आज का हमारा टॉपिक MS Word है. MS Word के लास्ट टाइम में हमने इंसर्ट की बार में ये सारी चीजें कर ली थी कमेंट्स तक. उसके बाद आ जाए हेडर फुटर और टेक्स्ट. हेडर फुटर, व्हाट इज हेडर फुटर? हेडर फुटर क्या होता है? किसी भी पेपर के हेड पे किसी चीज को इंसर्ट कर देना और ऐसी चीज पे इंसर्ट कर देना जो आप थ्रू आउट हर पेपर की वर्किंग पे जाते हैं, हर पेपर के टॉप पे जाते हैं, हर पेपर के बॉटम में जाते हैं, तो इस चीज का नाम हेडर या फुटर है. ठीक है, हम एक ये चीज है, इसमें एक स्कूल का नाम अक्सर होता है ना, किसी फॉर्म का नाम इधर हेडर पे लगा दिया. उसके बाद हम एंटर प्रेस करते जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आए. जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो देखें नेक्स्ट पेज पे आपका वहां पे वो नाम पहले से अवेलेबल होता है. ठीक है, ये चीज को हेडर कहा जाता है. हेडर में हम एडिट हेडर कर सकते हैं. एडिट में जाके जब आप हेडर करते हैं तो इसकी हेडर की एक लहदा पूरी एक बार खुल जाती है. जिस तरह हमारे पास पिक्चर की खुलती थी ना, इसी तरह हेडर और फुटर की भी खुल जाती है. इसमें हम पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज नंबर, सेंटर में और राइट लेफ्ट आप कर सकते हैं. अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पेज नंबर खुद ब खुद लगते जाएंगे. 1, 2, 3 आपके जितने पेज होंगे खुद ब खुद टॉप पे लगते जाएंगे. अगर आप इन्हें बॉटम पे लगाना चाहते हैं तो आप फुटर में जाकर लगाएंगे. किसी भी चीज को फुटर, पेपर के फुट पे कोई चीज देने के लिए, कोई पिक्चर, कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई नंबर या कोई डेट, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप इधर डॉक्यूमेंट की इन्फो दे सकते हैं, आप कोई लिंक दे सकते हैं, आप कुछ भी, आप कंपनी की ईमेल दे सकते हैं, डेट एंड टाइम दे सकते हैं, एनीथिंग जो आप चाहें, डेट दे दें, डेट का फॉर्मेट बता दें, आप हेडर पे फुटर पे ये चीजें लगा सकते हैं. अब ये हर हेडर हर फुटर जिधर जिधर आप लगा देंगे वहां वहां ये चलती जाएंगी. रिमूव हेडर और रिमूव फुटर, यहां से जस्ट रिमूव हेडर और इसी तरीके से रिमूव फुटर हम कर सकते हैं. आपको समझ आ गई होगी इस चीज की. उसके बाद डायरेक्ट आप पेज नंबर बता सकते हैं, पेज किस जगह पे लगाना है, पोजीशन क्या देनी है, किस तरह का लगाना है, ये चीजें आप सारी इधर से कर सकते हैं. ठीक है, हमारा हेडर फुटर आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. उसके बाद हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स. व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स? व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है? किसी भी तरह का टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है. हम नो डाउट इसमें सारा कुछ वैसे ही लिख सकते हैं जैसे लिख रहे होते हैं, लेकिन किसी चीज की हमें ऐसी जरूरत होती है कि उसे पकड़ के हम दाएं बाएं मूव कर सकें, ऊपर नीचे कर सकें, उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं. अक्सर औकात आपने देखा होगा किसी बुक में साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखे गए होते हैं, तो इसमें आप इस तरह की चीजें लिख सकते हैं. इस पर्पज के लिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है. और जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें मुख्तलिफ तरह के स्टाइल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप जिस तरह का चाहें वो वाला ले सकते हैं. ये क्लियर हो गया. उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट क्या होता है? इसमें हम ये किसी भी तरह का स्टाइल लेके उसमें अपना नाम लिख सकते हैं और उसकी वर्किंग को बड़ा छोटा कर सकते हैं. और जब इसको ले लेंगे इसकी भी एक लहदा पार खुल जाएगी. इस बार के अंदर फिर वही वाले सारे पिक्चर वाले फॉर्मेट हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरी पुरानी जो वीडियो मैंने बनाई है इससे पहले उसमें जाएं और जाके वहां देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं. ठीक है, आप पूरी शेप का जो कलर है उसे चेंज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत मजे मजे की चीजें आप यहाँ पे खुद बना सकते हैं. उसके बाद हमारे पास ड्रॉप केस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर मेरी चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.